नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत पर शनिवार को यहां पूर्व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष आबिर ढेबर एवं पार्षद ऋतिक सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की और जश्न मनाया। ढोल नगाड़ों के साथ पार्टी कार्यकर्ता खूब नाचे, मिठाइयां बांटी गई। भाजपा को मिली करारी हार पर शनिवार को जिला कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों ने एक दूसरे के गले मिलकर हर्ष जताया। कार्यकर्ताओं ने तिरंगा चौक पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी का इजहार किया। एक बार फिर जनता ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सरकार और उनकी नीतियों पर विश्वास जताते हुए भारी समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ में चल रहे विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आ गए हैं। जिले में कांग्रेस प्रत्याशी यशोदा वर्मा ने चुनावी बाजी जीत ली है। भाजपा प्रत्याशी कोमल जंघेल को रिकॉर्ड कुल 20,000 से अधिक मतों से हरा दिया। क्या कहना चाहेंगे जीत को लेकर आप? निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो खैरागढ़ में विधानसभा जो जीत मिली है वो भूपेश भैया के कामों को लेकर जीत मिली है और निश्चित रूप से खैरागढ़ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार कि उन्होंने सही समय पे सही फैसला लिया है। आज हनुमान जी की जयंती है और ये बता दिया कि खैरागढ़ के लोगों ने कि नफरत की राजनीति छत्तीसगढ़ में नहीं चलने वाली है, इसीलिए खैरागढ़ की जनता ने आज यहाँ पर फैसला दिया है और कांग्रेस की पार्टी को भूपेश भैया के कामों को छत्तीसगढ़ ने कांग्रेस पार्टी ने मोहर लगाया है, वहां की जनता ने मोहर लगाया है। निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा चुनाव में 90 की 90 की विधानसभा सीटों की जीत की तैयारी चल रही है।